ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 16 अगस्त 1968। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, नरक में अथाह दुख है, जहां सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति करके बताना चाहिए। शिव भगवान वाच, बच्चों इस समय तुम्हारी जो आत्मा है वो सब पतित है। अभी पतित आत्मा पावन कैसे हो? सभी आत्माएं पतित हैं, तो उन पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे बुलाया है। भक्ति मार्ग में कहते भी आए, हे पतित पावन आओ। जरूर सतयुग में पावन ही होते हैं, वो है ही पवित्र पुण्य आत्माओं की दुनिया। और ये है पाप आत्माओं की दुनिया। जो पाप आत्माओं की दुनिया है वो ही फिर से सतो प्रधान जरूर बननी है। और कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनता है। नई दुनिया की स्थापना होती है, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काहे की स्थापना? ब्रह्मा द्वारा पहले तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, और हम ब्राह्मण चोटी हैं। विराट रूपी भी है ना, पहले ब्राह्मण फिर देवता फिर वैश्य फिर शूद्र। तो पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़ता है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण हैं। और ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। संपूर्ण ब्राह्मण सो देवताएं बनते हैं, वो होते ही है सतयुग में। तो ये ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए। उसमें सुख का भी हिसाब चाहिए तो दुख का भी हिसाब चाहिए। सतयुग में तो सदा सुखी ही सुख है, ऐसा वहां कोई होता नहीं होगा जो दुख में हो। कलयुग में फिर अनेक परम अपार दुख है, सब दुखी है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनको कोई दुख न हो। तो इसको कहा जाता है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। सतयुग त्रेता में रावण नहीं था, परंतु भारत तो था या नहीं था?
भारत तो था, रावण नहीं था। फिर ये रावण कहां से आया? त्रेता के बाद ये द्वैतवादी रावण आया, द्वापर आया। जहां हरेक में पांच विकार आने लगे, सत्युग त्रेता में तो कोई विकार नहीं होते हैं। उसको कहा ही जाता है पवित्र गृहस्थ धर्म। तो 84 जन्म कैसे लेते हैं वो भी समझाना चाहिए। अभी तो दुखों के पहाड़ गिरे हुए हैं और अभी और भी गिरने वाले हैं। ये इतने बाम शादी बनाते रहते हैं, ये कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं। बहुत ही रिफाइन करते जा रहे हैं, फिर रिहर्सल करके जावेंगे, बाद में फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, परंतु ड्रामा तो अपने समय पर ही पूरा होगा ना। पहले पहले तो शिव बाबा का ही गीत होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हैं तो हमेशा पहले पहले कहते हैं शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो महिमा तो और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती है, वो भी हीरे समान है। 16-8-68 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी जयंतियां तो सभी कौड़ी तुल्य हैं, भरतनाट्य पहनी, क्योंकि और जो भी जन्म लेते हैं इस संसार में आकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं, और ही नीचे गिरते गिराते रहते हैं। तो हीरे समान जयंती थोड़े ही उनकी कहेंगे। कृष्ण के भी कोई चरित्र आदि नहीं है, वो भी पाई पैसे की बात है। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा, शास्त्रों में तो उसकी कोई भी महिमा नहीं है। वहां सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सब सतो प्रधान होते हैं। वहां बच्चों में कोई भी प्रकार की चंचलता नहीं होती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि मक्खन खाया, ये करते थे, वो करते थे। अब ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानी कर दी है। जैसे शिव बाबा की कितनी ग्लानी करते हैं, भक्ति मार्ग में कितनी खुशी में आकर के कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। ये तो बहुत भारी ग्लानी कर दी। परंतु तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। जितने जितनी ग्लानी करते जाते हैं, सर्वव्यापी समझते जाते हैं,
उतना अपना ही नुकसान करते हैं। कैसे? सर्वव्यापी समझेंगे तो बुद्धि भटकती जाएगी, एक व्यापी समझे तो बुद्धि एकाग्र हो जावे। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए कि बाप मुकर्रर रथ में आता है, सर्व में व्यापक बन करके नहीं आता है। और भगवान वाच है, वो भी बच्चों के प्रति है। बच्चे ही समझते हैं कि वो भगवान निराकार है। उस निराकारी के लिए ही गायन है, नामाचार होता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अर्थात कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। तो पहले पहले तो उनकी महिमा करनी चाहिए। इनकी नहीं, किनकी? ब्रह्मा या कृष्ण की महिमा नहीं, वो निराकारी बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है। बच्चे जानते हैं अभी इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण का राज्य है। ये रावण का राज्य, इसमें सबका दुश्मन ये रावण है। दुश्मन है तो मारते भी हैं, परंतु हर रावण दुश्मन मरता ही नहीं। यहां इस रावण राज्य में कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सत्युग में तो है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले भी बेहद के बाप के बच्चे बने थे, और यही वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं तो जरूर आकर के कुछ करते तो होंगे ना, ऐसे तो नहीं जैसे और धर्मात्माएं आए, धर्म पिताएं आए, महात्माएं आए। भाषण किया और चले गए। तथाकथित ब्राह्मण भी क्या समझते हैं? ब्रह्मा में भगवान बाप आया, क्या करके गया है? बस मुरली सुना के चला गया, कथनी करके चला गया, करनी कुछ भी नहीं की। गायन कथनी का होता है या करनी का होता है? जरूर कोई एक्टिविटी करते हैं, तब ही उनकी महिमा होती है। और कोई भी प्रकार की एक्टिविटी शरीर के बगैर नहीं हो सकती। शरीर भी चाहिए, कर्मेंद्रियां भी चाहिए। शिव बाबा के लिए ही कहते हैं शिवरात्रि। उन्होंने भक्ति मार्ग में फिर शिवरात्रि में कृष्ण रात्रि मिक्स कर दिए।
कृष्ण की भी रात्रि मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं ना। वास्तव में कृष्ण तो बच्चा है। बाप की जयंती पहले होगी या बच्चे की होगी? वास्तव में शिवरात्रि के बाद है कृष्ण की रात्रि। तो अभी शिव की रात्रि और कृष्ण की रात्रि को भी समझाना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात्रि में, कब होती है? 36 में होती है, 76 में होती है, 76 में आ गया 100% प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहे, कृष्ण का जन्म तो अमृत वेले है, रात्रि के समय नहीं है। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई भी तिथि तारीख नहीं है। बच्चे जी समझते हैं कब आते हैं कब चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। कृष्ण की तिथि तारीख घड़ी नक्षत्र सब कुछ बताते हैं। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग तो कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं, परंतु वो कोई प्रभात नहीं होता है। अमृत वेले प्रभात भी सवेरे के 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि स्मरण भी कर सके। ऐसे थोड़े ही कि 12 बजे विकार से उठ करके कोई भगवान का नाम लेता होगा, बिल्कुल ही नहीं ले सकते। अमृत वेले 12 बजे को नहीं कहा जाता है, उस समय तक तो मनुष्य पतित गंदे होते रहते हैं। सारा वायुमंडल ही खराब करके सोते हैं, और 12:30 बजे भी कोई थोड़े ही उठते हैं। वास्तव में अमृत वेला तो है ही 3-4-5 बजे का समय। उस समय मनुष्य उठकर फिर भक्ति याद करके बैठते हैं, और ये समय आदि की गणना तो मनुष्यों ने ही बनाई है। परंतु वो समय कोई ठीक नहीं है। तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में वास्तव में अमृत वेला कौन सा है? कब कहें कृष्ण का जन्म? कब कहें शिवरात्रि? रात्रि के 12 बजे तो मनुष्य थक कर सो जाते हैं,
तुम कृष्ण का समय फिर भी निकाल सकते हो। शिव का समय कुछ भी नहीं निकाल सकते। समय की बात है, सन की बात नहीं बताई, दिन नहीं बताया। तो ये बाप खुद ही आकर के समझाते हैं। क्या क्या समझाते हैं? हैं कि वास्तव में अमृत वेला, बेहद का अमृत वेला कौन से टाइम पर है, कब है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच में बेहद के अमृत वेले का टाइम कौन सा है? बाप को खुद ही आकर के बताना पड़ता है। पहले तो अपनी ताकत दिखाते रहते हैं, तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। और गीत भी पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा ही सबसे मीठा बाबा है, क्योंकि उनसे ही बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत ही स्वर्ग हेवन था, जहां ये कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था, और वहां परम अपार सुख थे। अभी तक भी उस स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो भी कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे जो भी मरते हैं वो कहां मरते हैं? नरक में मरते हैं या स्वर्ग में मरते हैं? नरक में मरेगा तो नरक में जन्म लेगा, स्वर्ग कहां से पधारा? स्वर्ग में मरेगा तो स्वर्ग पधारेगा। सब नरक में ही तो मरते हैं, फिर क्यों कहते हैं स्वर्ग पधारा? संगम युग की यादगार है। यहां जब बेहद का मरना होता है, देह अभिमान से मरते हैं, तभी स्व स्थिति में जाते हैं और स्वर का अनुभव करते हैं। नहीं तो वास्तव में स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो समझाना चाहिए। कि हमको तो 32 वर्षों का अनुभव है, वो अनुभव सिर्फ 15 मिनट में तो हम आपको नहीं समझा सकते। सारी बात समझाने के लिए तो समय चाहिए। फिर भी पहले पहले तो हम आपको सेकंड की बात बताते हैं, और वो सेकंड की बात है बेहद का बाप दुख हरता और सुख करता है। वो बेहद का बाप जब आपकी बुद्धि में बैठेगा, जिस क्षण बुद्धि में बैठेगा,
उस क्षण आप अनुभव करेंगे कि दुख हरता है, सुख करता है। जब आपको उनका परिचय मिल जाता है तब ही आप फील करेंगे वो है ही सब आत्माओं का बाप। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां उसी शिव बाबा की मत पर चलते हैं। बाबा हमको बताते हैं कि तुम सब भाई भाई हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं ही 5000 वर्ष पहले आया था, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग में तो कोई कुछ भी नहीं मनाता, वहां कोई उत्सव आदि नहीं होता, कोई जश्न नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो रोज ही सुखी ही सुख है, उत्सव ही उत्सव है, सारा जीवन ही उत्सव है। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। तो भक्ति में मनुष्य अल्पकाल के लिए जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, वो भी संगम युग की यादगार है जब बाप इस सृष्टि पर आया था। स्वर्ग में कुछ भी मना ना करना नहीं होता है। अभी शिव जयंती होती है जिसका भक्ति मार्ग में यादगार बनाया जाता है। शिव बाबा आकर के तुम बच्चों को 84 जन्मों का राज बताते हैं, कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। न जानने के कारण कह देते हो 84 लाख योनियों में जाती है आत्मा। वास्तव में सिर्फ 84 का चक्कर है, और वो 84 के चक्र की बात मैं ही आकर के बताता हूं। अभी ये गीता का एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर के द्वारा। जब कहते हैं द्वारा माना मीडिया, तो मीडिया चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रह्मा भी चाहिए और शंकर भी चाहिए। अभी से पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। इसलिए कहते हैं हमको पावन दुनिया में ले चलो, ये है ही पुरानी दुनिया। इस पुरानी दुनिया में अथाह दुख हैं, कितनी लड़ाइयां, मौत, विधवापन, जीवघात आदि आदि होता ही रहता है। सतयुग में तो अथाह सुख का राज्य था। 16 अगस्त 1968 की वाणी का तीसरा पेज। तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर ले जाना चाहिए। बताओ, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। हम 5000 वर्ष पहले की बात सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले ही महाभारत युद्ध हुआ था। गलती सिर्फ ये हुई है
कि वहां भगवान का नाम कृष्ण डाल दिया है। वास्तव में भगवान कोई कृष्ण नहीं है। 5000 वर्ष पहले नरको नारायण बनाने वाला वो निराकार बाप इस सृष्टि पर आया हुआ था। अभी शिव बाबा ने हमको अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है, तो हम जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने कैसे जन्म पाया। इनको जन्म देने वाले कोई साकारी मां बाप नहीं थे, ये नारायण नर से नारायण बने। बनाने वाला निराकारी बाप है। इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने? और तो कोई भी हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर सारे विश्व का मालिक नहीं बन सका। नाक रगड़ रगड़ के रह गए फिर भी नहीं बन सके। ऐसे कर्म इन लक्ष्मी नारायण को किसने सिखाए? जरूर कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले जब बाप आया था, महाभारी महाभारत युद्ध कराया था और युद्ध से पहले गीता ज्ञान सुनाया था, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना बाप ने सिखाया था। और तो कोई दुनिया में धर्म पिता या महात्मा धर्मात्मा ऐसे कर्म सिखा ही नहीं सका जो विश्व का मालिक बना सके। बाप बताते हैं कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां सब आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। देवान होता ही नहीं है तो विकर्म बनते ही नहीं है। सुकर्म भी नहीं बनते, क्योंकि सुंदर कर्म सिखाने वाला वहां कोई होता नहीं है। तो पाप कर्म भी नहीं बनते और पुण्य कर्म भी नहीं बनते। वहां देवताओं के द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहां इस दुनिया में रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की मतें हैं। एक मनुष्य की मत दूसरे मनुष्य की मत को काट देती है। कर्मों पर कोई का पक्का विश्वास नहीं रहता। नहीं तो कहावत है, विश्वासम फलदायकम। सब असत कर्म करना सिखाते हैं, इसलिए इसको पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। और जो आपस में लेन देन करते हैं वो भी पाप आत्माओं के साथ लेन देन करते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब पाप आत्माओं के साथ बनता है। और संगम युग में तो बाप आते हैं। बाप के ऊपर पाप और पुण्य का कोई
लेप छेप नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो तो सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है, सदैव ही निर्लिप्त है, कभी भी किसी के अटैचमेंट में आने वाला नहीं है। यहां तो देखो कैसी पाप आत्माओं की दुनिया है, पेट में ही बच्चा होता है तो सफाई कराए देते हैं, कितनी क्रिमिनल आई रहती है, ये है ही क्रिमिनलाइज्ड की दुनिया। सत्यु को कहा जाता है सिविलाइज्ड, यहां तो आंखें बहुत पाप करती हैं और वहां तो कोई भी प्रकार का कोई भी कर्मेंद्रिय से पाप नहीं होता। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरती है ये तो सबको जानना चाहिए। इस दुनिया के कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं, ये दुखधाम ये सुखधाम क्यों कहा जाता है कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सारा मदार है पतित और पावन होने पर। पतित बनते हैं तो दुखधाम होता है, पावन बनते हैं तो सुखधाम होता है। इसलिए बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इस काम को जीतने से तुम जगत जीत बन जावेंगे। आधा कल्प पवित्र देवी देवताओं की दुनिया थी, वहां दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, उनको कहा ही जाता है श्रेष्ठ देवताएं, नाम से आगे श्री लगाते हैं, श्री माना ही श्रेष्ठ। अभी तो सब भ्रष्टाचारी है, एक तरफ कहते भी हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सभी के नाम के पहले श्री लगाए देते हैं, जो आता है उसके लिए वो बोल देते हैं। तो ये सभी बातें समझानी है, अभी तो मौत सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावेंगे, तुम सत्व प्रधान बन करके सुखधाम के मालिक बन जावेंगे। अभी इस दुखधाम में अनेक प्रकार के दुख हैं, बोलो कितनी भी तुम लोग कॉन्फ्रेंस करो संगठन करो, परंतु इस कॉन्फ्रेंस आदि से कुछ भी दुनिया का कल्याण होने वाला नहीं है। ये बात तुम दुनिया वालों को भी बता सकते हो और ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसकी शूटिंग करते हैं, उन शूटिंग करने वालों को भी बता सकते हो। ये साफ करते करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, तुमको समझाना है कि बाप तो अपना कार्य अपने बच्चों के द्वारा ही करते हैं, वो करणहार भी है और करावनहार भी है। तुमने पुकारा ही है हे पतित पावनाओ, तो ऐसे थोड़े ही कि ज्ञान सुना करके चले जाएंगे, नहीं आते हैं
तो पतित दुनिया को पावन बना करके जाते हैं। सो बाप अपने समय पर आए हुए हैं, गायन भी है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। कोई एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों की ग्लानी हो जाती है, सभी धर्म के नाम पर अधर्म हो जाते हैं। कोई रास्ता किसी को नहीं दिखाई पड़ता। तो देखो, इस श्लोक का अर्थ भी कोई जानते नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य, बुलाते रहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर बुलाने वाले पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, मैंने तो तुमको पावन बनाया था। पावन बनाने की बात कौन से युगों की बात है? है? संगम में पावन बनाया था, सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर पतित किसने बनाया और कब बनाया? है? सतयुग त्रेता में तो तुम पावन थे। द्वैतवादी द्वापर युग से जब दो दो बातें सुनाई जाने लगी तब तुम पतित बने हो। तो इस अनेक सिरों वाले, अनेक मतों वाले रावण ने तुमको पावन पतित बनाया है, ये बात पक्की रीति बुद्धि में बैठाई जानी चाहिए। अभी फिर से मैं पावन बनाने आया हुआ हूं। तो ये बात बुद्धि में बैठा हो। कौन सी पहली पहली बात? कि एक के द्वारा पावन बनते हैं और अनेकों के द्वारा पतित बनते हैं। एक व्यापी समझने से पावन बनते हैं और अनेक व्यापी समझने से, सर्वव्यापी समझने से पतित बनते हैं। मुझे बुलाते हैं तो जरूर मैंने पावन बनाया होगा। वो पावन दुनिया थी, अभी पतित दुनिया है। पांच विकार तो सभी में है, जिसके कारण अपरम अपार दुख है। सभी तरफ अशांति ही अशांति लगी पड़ी है। तो कारण क्या हुआ? कारण हुआ कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, क्या क्या बताते रहते हैं। ये भगवान को बैठ गालियां दी हैं। क्या मैं कच्छ मत्स्य सुअर का आकर के बच्चा बनता हूं? जानवरों में प्रवेश करके जानवरों को समझाऊंगा, जानवर ज्ञान सुनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी भी ब्राह्मणों की जो नौकरियां हैं वो सब नंबरवार हैं। सब तो ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। जिनकी श्रेष्ठ बुद्धि होगी
वो ही ज्ञान को उठावेंगे। ज्ञान को नहीं उठाते हैं तो भक्ति मार्ग में उनका गायन होता है, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, सूकर अवतार। जब इससे भी पूर्ति नहीं होती है तो अंत में फिर कहने लगते हैं पत्थर ठिककर भीतर में है। ये बुद्धियों की बात है, पत्थर जैसी बुद्धि बन जाती है, कोई टिकी ठिककर जैसी, मिट्टी के ढेले जैसी बुद्धि बन जाती है। माया की एक ही ठोकर लगने से बिखर जाते हैं। ऐसे ठिककर बुद्धियों में भी भगवान को समझ लेते हैं। भीतर कहा ही जाता है भीत को, दीवाल को। जो ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद ज्ञान को उठाते हैं, नहीं ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को उठाने देते हैं। ऐसे भुत्तर बुद्धियों में भी मेरे को व्यापक समझ लिया है। जब ऐसी तुम्हारी अवस्था देखता हूं, किसकी, दुनिया वालों की नहीं, जब ऐसी तुम्हारी अवस्था देखता हूं कि इतने पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूं। क्या मतलब? अरे दुनिया वाले ही सर्वव्यापी समझने लग पड़ते हैं, ठिक कर भीतर मैं भगवान को समझने लग पड़ते हैं, कच्छ मच्छ सूकर में व्यापक समझने लगते हैं। यह ब्राह्मण बच्चों की भी बुद्धि ऐसी बन जाती है। शूटिंग पीरियड में ब्राह्मण बच्चों ने ही ऐसी शूटिंग की है कि एक व्यापी भगवान को अनेक व्यापी समझ लेते हैं और उनको फॉलो करने लग पड़ते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप, सारी दुनिया की सदगति करने वाला, उसको ठिककर भीतर में डाल दिया। ऐसे ऐसे अपकारियों पर भी फिर मैं उपकार करने के लिए आता हूं। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि सब पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ, तो फिर मुझे ऐसा रथ भी तो चाहिए। कैसा रथ चाहिए है? कैसा रथ चाहिए? कोई पवित्र सन्यासी का रथ चाहिए? नहीं, पतित से पतित कामी कांटे में आकर मैं उसे बड़े से बड़ा फूल बनाता हूं। ये तो जानते हो कि सारी दुनिया भी विकार से ही पैदा होती है। जिस पतित तन में आता हूं वो भी विकार से ही पैदा होता है। ये सारी विकारी दुनिया है और वो है निर्विकारी दुनिया। कौन सी? जो नई दुनिया बाप आकर के बनाते हैं वो है निर्विकारी। कोई इंद्रियों में कोई भी प्रकार का विकार नहीं, सारा शरीर ही पांच तत्वों का निर्विकारी बन जाता है। वाइब्रेशन ही निर्विकारी बन जाता है। दृष्टि वृत्ति सब निर्विकारी बन जाती है।
ऐसी निर्विकारी दुनिया बनाने वाला? वो आत्माओं का बाप निर्विकारी बाप है, जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। पांच तत्वों के गर्भ का चोला धारण नहीं करता है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में आया कि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? पतित पावन तो मैं ही हूं, तो मेरे साथ ही योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यही है, और वो प्राचीन राजयोग तो भगवान ही सिखावेगा। कोई भी मनुष्य मात्र वो प्राचीन राजयोग नहीं सिखा सकता, और भगवान आवेंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आती है। ये पिता भी है तो माता भी है, क्योंकि गौ मुख चाहिए। जिस गौ के मुख से अमृत निकले तो यही माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को भी हेड करके रखा हुआ है। उनको फिर कहा जाता है जगदम्बा। कहते हैं काली माता। ऐसा काला कोई शरीर होता है क्या? कृष्ण को भी काला बनाए दिया है, क्योंकि काम चिच्छा पर चढ़ करके काला बन गया है। कृष्ण ही सांवरा, फिर कृष्ण ही गोरा बनता है। कौन से युग में, कौन से युग की बात है? संगम युग की ही बात है। कृष्ण की ही आत्मा ना समझ होने के कारण सांवरा बनती जाती है। फिर जब गीता का भगवान की बात बुद्धि में पक्की बैठती है तो सांवरे से गोरा बन जाता है। एक सेकंड में सांवरे से गोरा बन जाता है। इन सब बातों को समझने समझाने के लिए समय चाहिए। आज की दुनिया में किस चीज की वैल्यू है? तन की भी उतनी वैल्यू नहीं है। मनुष्य के शरीर की तो जैसे बिल्कुल वैल्यू ही नहीं रही। धन की भी वैल्यू नहीं है। हर मनुष्य वैल्यू देता है समय को, तो कोटों में कोई निकलते हैं जो ऐसा टाइम का वैल्यूबल टाइम देते हैं। कोई की बुद्धि में यहां पर बैठता होगा, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल। ये भक्ति मार्ग का भूसा बुद्धि से निकाल देना है। मनुष्य तो काम चिच्छा पर चढ़ करके बंदर मिसल बन पड़ते हैं, क्योंकि उनमें पांच विकार प्रवेश हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने कितना दुर्गति को पाया है।
अभी मैं आकर के तुमको हीरे समान बनाता हूं। अच्छा, ओम शांति।